नमस्कार बंधुओं, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की इस क्लास में मैं अजय कुमार मित्तल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज से। और जैसा कि भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में अध्याय 8 है, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो आइए चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों पर चर्चा करते हैं। और इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा हम अब तक जो पढ़ चुके उस पर थोड़ा निगाह डालें। तो हमने दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, जिसको हमने कूलाम बल कहा, इसके बारे में जाना। किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से संबंधित हमने गॉस का नियम, और इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित गॉस का नियम, और किसी धारावाही चालक के कारण उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऑस्टेड का ऑब्जर्वेशन, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश है उस पर लगने वाला लॉरेंज बल, और इसके बाद हमने फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इस तरीके से ये हमने जानकारी अब तक ली। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सभी ऑब्जर्वेशन को समेकित करते हुए, एकीकृत करते हुए मैक्सवेल ने कुछ निश्चित संबंधों का एक सेट बनाया, जिसको हम मैक्सवेल इक्वेशन कह देते हैं। इसको तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। और इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस की सहायता से उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या की, जिसको हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसको भी चलिए हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। प्रश्न ये आता है कि जो मैक्सवेल ने यहाँ फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम था, वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन लिया जिसका आधार विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण बना। और वो क्या था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, किसी स्थान पर अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर वहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है जो प्रेरित होता है, इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह देते हैं। तो यहाँ हम एक तरीके से कह सकते हैं कि समय के साथ अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण बन जाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का संबंध चुंबकीय क्षेत्र से है और विद्युत वाहक बल का संबंध विद्युत क्षेत्र से है। तो यही मैक्सवेल ने एक अनुमान लगाया कि लॉजिकली इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कि किसी स्थान पर अगर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है तो समय के साथ उसमें होने वाला परिवर्तन वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। और इस रिजल्ट को उन्होंने, जो हमारा एम्पियर का सर्कुटल लॉ है, जिसमें किसी तार के, धारावाही तार के समीप किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, आपने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड पाथ क्लोज्ड मैश बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये आई वो है जो किसी भी क्लोज्ड पाथ से रिलेटेड कोई भी सरफेस है, तो उस सरफेस से थ्रेडिंग जो भी करंट होती है, जो भी उससे पास होती है, उसका म्यू नॉट गुना होता है उस लूप से के अलोंग जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस रूल में, इस लॉ में कहीं ना कहीं मैक्सवेल ने एक कमी पाई, और वो कमी क्या थी, तो उसको किसी विद्युत परिपथ में जुड़े हुए किसी संधारित्र के केस में चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रकरण में हमने विस्थापन धारा लिखा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट भी वहीं से ही निकल के आएगा। तो चलिए आइए समझते। देखिए, चित्र में आप एक संधारित्र देख रहे हैं जो किसी परिपथ का एक हिस्सा है, और मान लीजिए कि यहाँ इसमें एक परिवर्तित धारा बह रही है जो समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है, टाइम का फंक्शन है धारा, और इसकी दोनों प्लेटों पर हमने चार्ज दिखाया हुआ है। और मान लीजिए कि इस तार के पास किसी बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर हम लगाएं तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक सिमेट्रिक, एक सर्कुलर मैश बनाए, पास बनाए, तो इस पास के अलोंग जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी डॉट डी एल का इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड पाथ, ये इक्वल टू हो जाएगा मी नॉट इंटू जो आई आपकी थ्रेडिंग कर रही है उससे पास हो रही है उस सरफेस से। और यहाँ सरफेस कौन सी ले, तो मान लीजिए कि जो मैंने लूप दिखाया है, ये लूप मान लीजिए ये है, तो इस लूप की मैं इसी सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक ओपन सरफेस है, तो इस सरफेस को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ मान लीजिए फर्स्ट केस में, तो आप देख रहे हैं कि इस सरफेस से पास होने वाली करंट हमारी ये ऑलरेडी है, तो राइट हैंड साइड यानी कि हमारी म्यू नॉट इंटू वो आई जो कि टी पर डिपेंड कर रही है यही हो जाएगी, और इस आधार पर हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो अपनी वैल्यू है वो बी है।
लेकिन इसी लूप को अगर मैं सेकंड केस में एक दूसरी सरफेस से अटैच करूं, मान लीजिए कोई सरफेस इस तरह की भी तो हो सकती है जिसका कि इधर ओपन हो गया आपकी बार, ये क्लोज सरफेस है, यानी कि आपकी बार इसकी बात करूं और इसको मैं यहाँ ड्रॉ करूं, तो आप देखिए कि मान लीजिए कोई मैंने एक इस तरह की सरफेस यहाँ पर ड्रॉ की है सेकंड केस में। अब ये रूल यानी कि जो लेफ्ट हैंड, ये जो हमारी एम्पियर्स लॉ है, ये इसके लिए यहाँ भी लागू होना चाहिए। और इस आधार पर भी अगर मैं यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करूँ तो हमारी राइट हैंड साइड इतनी ही आनी चाहिए। चलिए करते हैं। उस केस में आप देखिए कि अब ये जो आपका जो दूसरी सरफेस है इसका कुछ हिस्सा हमारे कंडेंसर के भीतर भी आ गया है। तो अब देखिए सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो ये हुआ, सेकंड केस में जो हमारी राइट हैंड साइड बनेगी, जरा चेक करते हैं। आप देखिए कि अब की बार लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी यही रहेगी, राइट हैंड साइड इस सरफेस से पास होने वाली करंट, और आप देख रहे हैं कि कंडेंसर के भीतर कोई करंट नहीं है, और जब यहाँ कोई करंट ही नहीं है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारी मे नॉट इंटू जीरो, यानी कि जीरो हो जानी चाहिए, और जब जीरो होगी तो इसका मतलब वहाँ फील्ड ही नहीं आना चाहिए उस पॉइंट पर। तो एक तरीके से इस लूप के जब हम इस सरफेस को लेकर चलते हैं तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम इस सरफेस की बजाय एक दूसरी सरफेस कंसिडर करते हैं जो कि कंडेंसर के भीतर से पास हो रही है, तो वहाँ चूंकि करंट है ही नहीं उससे पास होने वाली, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि यहाँ कोई फील्ड ही नहीं है, तो ये एम्पियर्स लॉ या तो गलत है या एम्पियर्स लॉ में कोई ना कोई कमी है। तो उस कमी के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये मैक्सवेल का ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि क्या यहाँ कुछ चेंज भी हो रहा है कि नहीं, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो यहाँ चेंज हो रही हो इन कंडेंसर के भीतर। तो साफ पता है कि चूंकि दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, और चूंकि यहाँ पर करंट हमारी टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो इट मीन्स दोनों प्लेटों के बीच हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो भी वेरी करेगा। और जब वेरी करेगा तो जरा चेक करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेटों के बीच, बल्कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पीछे पड़ी थी संधारित्र की विपरीत आवेशित दो प्लेटों के बीच में, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और अगर प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ ए है तो हम कह सकते हैं कि ये इस पर चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इस मान लीजिए मैं इसके भीतर जो ये हमारा जो पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं कोई एक सर्फ एलिमेंट्री सरफेस ले रहा हूँ जिसका कि एरिया मान लीजिए इस प्लेट के ही एरिया के इक्वल है, बल्कि इसको चलिए मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, जो मैंने इमेजिन की थी सरफेस, और उसमें वो एरिया मैंने कंसिडर किया है जिसकी वैल्यू इस प्लेट के एरिया के इक्वल है, यानी कि अपने आप में ये एरिया ए है। तो इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी ए या ए डी ए कह रहे हैं चलिए हम। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन और जो हमने सरफेस कंसिडर किया, इस सरफेस का जो पार्ट लिया है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ आप प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ई इंटू नेट एरिया ए ही आ जाएगा। और जब ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पोर्शन से पास हो रहा है तो इसकी रेट क्या होगी? तो इसको सॉल्व कर दें हम, यानी कि इसका जो चेंज हो रहा है, जो कि हमने पहले देखा कि करंट वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ इस फ्लक्स में चेंज की रेट क्या होगी? तो इसका डिफरेंशियल कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी फाई ई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी टी ई ए, और ई की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और ये रह जाएगा डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी इस सरफेस पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उस चार्ज में के फ्लो की रेट है एक तरीके से, और ये रेट हमारी होती है करंट, क्योंकि हम पीछे पड़ चुके हैं आवेश के प्रवाह की दर, तो एक तरीके से ये करंट होगी आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इंस्टेंट करंट है, जिस टाइम आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें होने वाला उस समय का परिवर्तन के आधार पर अगर उस समय की धारा आई है तो वो आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम पाएंगे कि आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। और ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो ये शो कर रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र था उसमें होने वाले परिवर्तन की वजह से
आप देख रहे हैं कि भीतर एक हमें करंट दिखाई दे रही है जो उस फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर पर निर्भर कर रही है, यानी कि एक हमें इनविजिबल करंट नजर आ रही है। यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है कंडक्शन करंट है जो कि तार में बह रही है, लेकिन यहाँ करंट कहाँ है? तो मैक्सवेल के अनुसार दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के कारण, समय आधारित परिवर्तन होने के कारण, वहां पर एक नई धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट तो कहते हैं, हम इसको मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहते हैं, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल विस्थापन धारा। तो सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट आईडी से डिनोट करेंगे, तो एक तरीके से हमारी ये डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई अपॉन डीटी, ये हमें नजर आ रही है। और स्पष्ट है कि जब इस तार में धारा के कारण यहाँ कंडेंसर चार्ज हो रहा था, तो बाहर अगर तार में एक कंडेंसर कंडेंसिंग कर एक कंडक्शन करंट आई सी फ्लो कर रही थी, तो प्लेटों के बीच में भी एक करंट यहाँ पर मौजूद है और वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये दोनों फैक्टर ही डिसाइड कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर फील्ड है कि नहीं। अब यहाँ पर फील्ड अगर हमें इस पहले केस में दिखाई दे रहा था, तो अब हम कहेंगे कि दूसरे केस में, यानी कि जब हमने सरफेस को इस शेप में लिया जो कि कंडेंसर के भीतर पास हो रही थी, तो उस केस में जो थ्रेडिंग करंट होगी, जो सरफेस से पास होने वाली करंट होगी, वो अब ये नहीं होगी बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, और उसी करंट की वजह से ही हमारी जो राइट हैंड साइड जीरो है वो अब जीरो नहीं होगी, यानी कि वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और हम पाएंगे कि वो वही होगा जो हमारा पहले केस में आ रहा था। तो मैक्सवेल के अनुसार स्पष्ट है कि अगर किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और वो किसी भी सरफेस के लिए हो, किसी भी शेप की सरफेस के लिए हो, तो इसका मतलब है कि हमें इस जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है, एम्पियर का जो रूल है, इस रूल में हमें कहीं ना कहीं करेक्शन करना होगा, और वो करेक्शन करना होगा ताकि हर जगह कहीं पर भी किसी भी सरफेस के लिए अप्लाई करें हमारा रिजल्ट एक जैसा आए। और वो क्या होगा, उसके लिए उन्होंने जो राइट हैंड साइड में हमारी करंट का पोर्शन है आई, इसमें इंड्यूस्ड करंट को और शामिल कर लिया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये करेक्शन होने के बाद इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू होनी चाहिए मी नॉट इंटू केवल वो करंट जो कंडक्शन करंट है, वही नहीं बल्कि इसके साथ हमें जो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट बनी है आईडी, ये भी शामिल करनी होगी। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट फॉर्मूला अब ये बनेगा। जो एम्पियर लॉ हम ये पढ़ते आ रहे थे, इसका मतलब उसमें हमें ये करेक्शन करना होगा, और इसको हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ, एम्पियर मैक्सवेल का नियम। और इस नियम में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पर इस सरफेस की बात करूं, तो आप देख रहे हैं इस सरफेस के लिए जो क्लोज हमारा मैश बना हुआ है, उसने जो सरफेस घेर रखी है, उस सरफेस में से तो कंडक्शन करंट पास हो रही है आईसी, लेकिन यहाँ कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इस कंडेंसर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, हमने पीछे पढ़ा था। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा, तो वहाँ आप देखिए कि कंडेंसर के बाहर आईडी हमारा जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, और वहाँ आईसी हमारा मौजूद है। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो हमारी बन जाएगी मी नॉट इनटू आईसी। और अगर भीतर के केस में हम इस सरफेस की बात करें, इसको ओपन रखें, इस सरफेस की बात करें, तो अंदर के केस में हमारा वहाँ पर चूंकि कोई वायर नहीं है, कोई कंडक्शन करंट नहीं है, तो वहाँ आईसी हम जीरो देख रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारी डिस्प्लेस करंट मौजूद है, तो राइट हैंड साइड जो हमारी बनेगी वो म्यू नॉट इनटू आईडी हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इसका मतलब आईडी और आईसी अपने आप में एक ही तरह की क्वांटिटी है। जहाँ कंडक्शन करंट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगी नहीं। आपने ये भी देखा कि किसी कंडेंसर के केस में यहाँ दोनों तरह की करंट मौजूद होती है, कंडेंसर के बाहर वायर में कंडक्शन करंट और भीतर जो है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन अगर फ्री स्पेस की बात करें, तो फ्री स्पेस में जहाँ कोई कंडक्शन करंट नहीं होती, इसका मतलब है कि अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड
उस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से क्रिएट हो रही होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस की के लिए आईसी का होना जरूरी नहीं है, कंडक्शन करंट का होना जरूरी नहीं है। और इस तरीके से कि फैराडे के अकॉर्डिंग कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर उसी बात की पुष्टि हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनाता है और उसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों रूल अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस मामले में कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फैराडे के अकॉर्डिंग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में फिर चेंज हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट है, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग फिर से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे के ही सोर्स बन चुके, एक की वजह से दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी आधार पर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या करने के लिए ही जो मैंने शुरू में कुछ नियमों के आपको उदाहरण याद दिलाई थी, उनमें से विशिष्ट नियमों को इकट्ठा करके जिनके सहारे से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के सभी गुणों को हम पुष्टि कर सकते हैं, उनका एक सेट बनाया। और वो सेट क्या है समझते हैं। देखिए, तो पहली समीकरण है विद्युत क्षेत्र से संबंधित गॉस का नियम, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, और हमने पीछे पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ये इक्वल टू होता है नेट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा नियम है गॉस का ही नियम लेकिन विद्युत चुंबक क्षेत्र के लिए, और वो हमने पीछे पढ़ा है कि बी डॉट डी ए ये इक्वल टू जीरो होता है। तीसरा हमने पढ़ा फैराडे का नियम, और फैराडे का नियम इंड्यूस्ड ईएमएफ ये विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है, और इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल ई डॉट डी एल, और ये होती है माइनस में डी फाई बी अपॉन डी टी। और चौथा नियम जो कि एम्पियर का नियम है, लेकिन उसमें संशोधन के बाद एम्पियर मैक्सवेल का नियम बन जाता है, वो तो वो नियम है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कंडक्शन करंट आई सी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि डी फाई ई अपॉन डी टी। और आप देख रहे हैं कि ये जो चारों नियम हैं, ये नियम बताता है कि किसी आवेश का उसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र बनता है उससे क्या संबंध है। दूसरा नियम ये बताता है कि किसी भी चुंबक का स्वतंत्र ध्रुव उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, यानी कि आप किसी चुंबक को के दोनों ध्रुवों को तोड़ करके अलग अलग नहीं कर सकते। ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होगा, यानी कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन वहाँ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, और ये नियम बताता है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन है वो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण होगा। और इस तरीके से जो चारों समीकरण हैं, इन चारों को समीकरणों को ही हम संयुक्त रूप से मैक्सवेल की समीकरण कहते हैं, और इन समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए ही मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की कल्पना की और उसकी व्याख्या की, और इसके आधार पर बाद में एक्सपेरिमेंटल उनका वेरिफिकेशन भी हुआ। उसको भी चलिए संक्षेप में समझते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो वो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर वही आवेश गतिमान है और कांस्टेंट उसकी स्पीड है तो उस समय वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। तो मैक्सवेल का मानना ये था कि अगर कोई आवेश त्वरित हो, एक्सेलरेटेड है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उत्पत्ति एक त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक आवेश ऑसिलेट कर रहा है, और जब वो ऑसिलेट करेगा तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों चेंज होंगे, और जब चेंज होंगे तो हम कहेंगे कि उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और जब त्वरण है
तो इस आवेश के कारण जो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किसी एक निश्चित बिंदु पर निश्चित नहीं होगा, और जब निश्चित नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ चेंज होगा, तो वहाँ एक तरीके से उस फील्ड में होने वाले जो परिवर्तन की दर है वो वहाँ चुंबक क्षेत्र प्रोड्यूस करेगी, और समय के साथ साथ ये अपने आप में टाइम डिपेंडेंट होगा तो ये भी खुद चेंज होगा, और जब इसमें चेंज आएगा तो इसकी वजह से फिर दोबारा से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो भी अपने आप में टाइम डिपेंडेंट होगा तो इसमें अपने आप में फिर से चेंज आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड्स के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड, ये लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा। तो एक त्वरित इलेक्ट्रॉन जो कि अपने आप में एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है, या कहिए कि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, वो साफ देख रहे हैं कि एकांतर क्रम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का की उत्पत्ति करेगा, और किसी स्थान पर यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगातार उत्पन्न होंगे तो वो एक निश्चित दिशा में उनका प्रभाव बनना शुरू हो जाएगा, और इसी को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कह देते हैं। तो इस तरीके से हमने विद्युत चुंबकीय तरंग का ये सिद्धांतिक पक्ष देखा, जिसमें कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ी थी वो इनडायरेक्टली छुपी हुई है, क्योंकि जब जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो वहाँ इंड्यूस्ड करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि किसी कंडेंसर में हमने देखा कि अगर ये कंडक्शन करंट की वजह से इस पॉइंट पर हमने फील्ड देखा तो यहाँ हमने एक लूप इमेजिन किया था, और चुंबकीय क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगा इस कंडक्शन करंट की वजह से, और जो अंदर हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट बन रही थी उसकी वजह से भी यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो फील्ड यहाँ पर बन रहा था वही फील्ड इसके अंदर यहाँ भी बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ई और बी की डायरेक्शन, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है आपका इस डायरेक्शन में, तो ई और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र और इस डायरेक्शन में चुंबक क्षेत्र है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों का जो विद्युत चुंबक तरंग के रूप में प्रभाव होगा वो हमको दिखाई देगा। अच्छा, अब प्रश्न आता है मैक्सवेल के सामने तो केवल विद्युत चुंबक तरंगों के रूप में प्रकाश ही था, और प्रकाश के बारे में उन्होंने कुछ अपने कंक्लूजन दिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए कोई कंडक्शन वायर या कोई मीडियम की जरूरत तो होती नहीं है। तो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, यानी कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और वो हम जानते हैं कि सर्वसत्य है। इसी तरीके से उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का संबंध उस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण से संबंध जोड़ा, उसको हम संक्षेप में आगे चल के पढ़ेंगे तो वो भी आज हम उसको सही मानते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि प्रैक्टिकली इनको किस तरह से जनरेट किया जाए, प्रकाश की किसी तरंगों को किस तरह से उत्पन्न किया जाए अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर पीले रंग के प्रकाश को ही हमें उत्पन्न करना है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले इसकी आवृत्ति के बारे में जानना होगा। हम जानते हैं कि पीले रंग की जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो लगभग 550 टेरा हर्ट्स होती है, और मैक्सवेल के अनुसार कोई भी एक्सिलरेटिंग चार्ज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, कोई भी त्वरित आवेश। तो यहाँ इसका मतलब है इस आवेश की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम से कम साढ़े पाँच सौ टेरा हर्ट्स ही होनी चाहिए, और हम जानते हैं कि जो हमारे प्रैक्टिकली ऑसिलेटर्स होते हैं आज मॉडर्न से मॉडर्न ऑसिलेटर वो मात्र 0.1 टेरा हर्ट्स की ही फ्रीक्वेंसी से किसी चार्ज को ऑसिलेट कर पाता है। तो प्रश्न ये आएगा कि फिर हम पीले रंग की उत्पत्ति कैसे करें, प्रकाश को किस तरह से हम प्रैक्टिकली विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रदर्शित करें। तो उसका सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो हर्ट्स को जाता है। हर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए, और उन्होंने क्या किया कि परस्पर समानांतर दो प्लेटों को, कंडेंसर की दो प्लेटों के रूप में इस्तेमाल किया। ये कंडेंसर की दो प्लेटें हैं और इनके बीच में दो चालक बॉल को, चालक गोलों को इनसे किसी कनेक्शन वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया।
अब यहाँ देखिए, जो कंडेंसर हमने यूज किया है उसकी अपनी धारिता, चूंकि हमने काफी गैप रखा है और इस तरह से उन्होंने इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो लगभग 60 सेंटीमीटर के करीब रखी अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उस आधार पर इसकी धारिता, और चूंकि कनेक्शन वायर जो होते हैं वो अपने आप में एक इंडक्शन कोयल के रूप में हम मान सकते हैं, लेकिन उनका अपना इंडक्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और हम जानते हैं कि किसी भी LC ऑसिलेटर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 pi अंडर रूट LC के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। इसका मतलब L और C अगर हम कम रखें तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर बना सकते हैं, तो यहाँ हमने L और C की जो वैल्यू है हर्ट्स ने वो इस तरह से मिनिमम रखी, कम से कम रखी, ताकि जब कभी इन दोनों के बीच में हम वोल्टेज का डिफरेंस अप्लाई करें तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज होकर के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करें। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक इंडक्शन कोयल की सेकेंडरी कोयल को उन्होंने इन बॉल से कनेक्ट कर दिया और लगभग सेकेंडरी पर 10,000 वोल्ट के अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ अप्लाई किए, तो बिल्कुल उसी तरह का रिजल्ट मिला कि यहाँ जो एटम्स थे वो अपने आप में आयनाइज हुए, और ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस और रेगुलर चेंज होने वाला पोटेंशियल, उसकी वजह से यहाँ पर जो आयन बने थे वो अपने आप में ऑसिलेट होने शुरू हो गए, और उस ऑसिलेशन की वजह से यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में ही, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो इसी डायरेक्शन में सेटअप होगा, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि मैं इसको वाई एक्सिस कहूँ तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ डिस्टेंस पर उन्होंने किसी डिटेक्टर के जो डाइपोल होते हैं, ये अपने आप में एक डिटेक्टर रखा और उसके जो डाइपोल हैं उन पर उनको एक तरीके से कलेक्ट किया। तो ये अपने आप में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, बड़ा क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था, और इसके बाद तो हमारे देश के जेसी बॉस, जेसी बसु कह देते हैं हम, उन्होंने भी, और उसके बाद मार्कोनी ने अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करके दिखाई। मार्कोनी ने तो लगभग 50 किलोमीटर तक उनको ट्रांसमिट करके भी दिखाया, जिस पर आज हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आधारित है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करके अपने मनमाफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा EM जनरेशन का प्रिंसिपल रहा, और चलिए अगले टॉपिक में हम इन तरंगों के कुछ गुण और इनके क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे।